आजमगढ़ जनपद में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से रखे गए भारी मात्रा में पटाखे व अन्य आतिशबाजी विस्फोटक सामग्रियों को पुलिस ने किया बरामद, दो किए गए गिरफ्तार। आजमगढ़ में त्योहारों के सीजन में आतिशबाजी के अवैध भंडारण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आजमगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में अवैध रूप से भंडारण किए गए आतिशबाजियों के चलते जान माल की भारी क्षति भी हो चुकी है। वहीं प्रदेश से भी लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में एक सूचना के आधार पर पुलिस ने देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 गोला बाजार में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से रिहायशी इलाके में रखे गए पटाखे व अन्य आतिशबाजी सामग्रियों को बरामद किया है। इस दौरान मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि करीब 250 किलोग्राम अवैध पटाखों व विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया गया। पुलिस ने सुजीत जायसवाल और धनेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। शीघ्र ही गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि पुलिस लगातार इस प्रकार का अभियान चला रही है और जहां भी इस तरह की गतिविधि पाई जाएगी वहां पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या जानकारी दी। थाना देवगांव क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में गोला बाजार लगता है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के द्वारा बाजार वाले क्षेत्र में जो रिहायशी इलाका भी है यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे जिसका वजन लगभग 250 किलो है। यह रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है और इसमें दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है जिसमें एक का नाम सुजीत जायसवाल और दूसरे का धनेश्वर जायसवाल है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस के द्वारा ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कहीं भी अगर रिहायशी इलाके में अगर पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं पर भी विस्फोटक सामग्री रिहायशी इलाकों में ना रखी जाए, तो सभी की यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। इस पुलिस के द्वारा संकलित सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई। पूरी जनपद में ये कार्रवाई की जा रही है, सभी जगह चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों के द्वारा और कहीं पे भी अगर पाया जाएगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।